इस वीडियो में हम दी गई इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ सुनने में आ रही कि जो लेखपाल की भर्ती होगी उसमें ट्रिपल सी जो है अब अनिवार्य नहीं है, आपकी बस 12वीं तक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रिपल सी की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये भी चीज़ बता रहे हैं कि जो अभी PET का जो चलन स्टार्ट हुआ है उसके उसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे वो तो खैर लिखा हुआ था, लेकिन ट्रिपल सी नहीं थी वो भी सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें बताना। अभी जो CTET के बारे में हम बात कर रहे हैं, CTET की जो भाई करप्शन लिंक है, देखो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। CTET के फॉर्म जब भरे गए थे तभी अगर किसी के फॉर्म में फ़ोटो को लेके या साइन को लेके कोई गड़बड़ थी तो उनके पास मैसेज चला गया था। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने मैसेज पे गौर नहीं करा, या फिर मान के चलो कैफ़े वालों ने किसी का भी नंबर डाल दिया OTP वगैरह लेने के लिए और फिर बाद में इग्नोर कर दिया मैसेज को जो आया, जिसमें बताया गया था कि भाई फ़ोटो आपको सही से करके लगाना है नहीं तो आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर अभी ये लिंक नहीं दी जाती करप्शन की तो कई हज़ार फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाते। तो उन्होंने एक मौका दिया है, मतलब हमने 13 घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी स्टोरी, अभी भी लगी हुई है आप चेक कर सकते हो, 13 घंटे पहले दिखा देगा वो स्टोरी डाल दी थी हमने और इंस्टाग्राम अपने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी। तो ऐसा है हमने उसमें लिख दिया था और जैसे वेबसाइट पे भी हमने लिख रखा है कि आज लास्ट डेट है ये सब कुछ करने की। आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्म चेक करना है CTET का एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड का उस पर दिखा दिया कि सिटी कहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिटी नहीं दिखाया और वहाँ पर लिखा गया कि भाई इमेज डिस्क्रिपेंसी है तो आपको इमेज करनी पड़ेगी करेक्शन, और करेक्शन की लिंक हमने अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है। ये रही फॉर ऑनलाइन करेक्शन जो आ रहा है, यहाँ पर आप टैप करके अपना फोटो या साइन जो भी लगना होगा, मतलब जो भी गड़बड़ होगी जिसमें भी, वो दिखा देगा और आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप उसे अच्छे तरीके से करके दोबारा से अपडेट कर सकते हो और एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले निकलेगा जितने तारीख का भी दिखाएगा, ठीक है 27 का दिखाएगा तो 25 तारीख को निकलेगा, अभी नहीं निकलने का। और ये इसलिए करा गया है क्योंकि UPTET में आप सभी को बताए क्या हुआ है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दी है बस उसी की वजह से। और आज रात 12 बजे तक हमें 11:59 करना था, लेकिन गलती से 12:59 हो गया तो 11:59 है, मतलब रात के 12 बजे तक ये सब चीज़ें होनी है, मतलब आपको करेक्शन वगैरह होना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इमेज डिस्क्रिपेंसी। देखो आज तक CTET में ये चीज़ नहीं आई थी, ठीक है ना, हमने भी पहली बार ये वर्ड सुना था जब इस बार आया, क्योंकि जो हमने फॉर्म भरे थे और फॉर्म भरने के कुछ टाइम बाद ही एक लड़की का हमारे पास ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि भैया मेरे पास ये मैसेज आया है इमेज डिस्क्रिपेंसी करके। तब हमने देखा था CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे लिंक था और उनको हमने फोटो एडिट करा था, हालांकि अब उनका एडमिट कार्ड निकल गया है। और ये नोटिस पढ़ के जिसमें लिखा हुआ है कि भाई 13 तारीख को रात 12 बजे तक आपका फॉर्म एडिट कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, नहीं तो बाद में मौका नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ देखते हुए हमने जितने फॉर्म भरे थे रात सबको चेक करके उनके पास सबके पास मैसेज करे हैं कि भाई आपका सेंटर यहाँ पे और इतनी तारीख को एडमिट कार्ड निकलेगा, मतलब 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो आज का मौका है, अपना जरूर से चेक कर ले, चाहे तो कभी भी निकालें आप, एक बार चेक कर लें अगर सिटी वगैरह दिखा रहा है और तारीख दिखा रहा है फिर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CTET और UPTET एडमिट कार्ड, देखो भाई CTET के एडमिट कार्ड चल रहे हैं, आप 2 दिन पहले उन्हें निकाल पाओगे, ठीक है। अगर बाद में है, वो कुछ 2 फेज में हो रहे हैं, अगर बाद में है तो उनमें दिखा देगा कि भाई आपका पेपर जो है बाद में है और इसलिए एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। CTET का 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलेगा जितनी भी तारीख का पेपर है आपका। UPTET के लिए बता रहे हैं कि जनवरी के 4th मतलब चौथे सप्ताह में, 4th वीक में, ठीक है ना, निकलने की संभावना है। ये बस अपडेट आ रही है फिलहाल, जो अपडेट थी वो यही है कि UPTET के एडमिट कार्ड के लिए कि जनवरी के चौथे सप्ताह में संभावना है। और आपको तारीख बता दें 23 तारीख लिखा हुआ है कि भाई 23 तारीख को इनकी जो पेपर है होने की संभावना है, संडे होगा 23 तारीख, अब देख लेना 23 जनवरी, ठीक है, ये चीज़ है। रेलवे ग्रुप डी करेक्शंस, रेलवे भाई ग्रुप डी के लिए करेक्शन के लिए आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई हम कैसे चेक करें कि हमारा करेक्शन, मतलब रेलवे ग्रुप डी करेक्शन, मतलब अब हमें अपना फ़ोटो जो हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं है, हमें हम कैसे पता करेंगे। देखो भाई अगर लिंक आई तो ज़रूर से हम लगा देंगे, एक्टिव सून यहाँ पर लगा दिया है। और जो अभी फ़िलहाल, देखो आप नया फॉर्म नहीं भर सकते, ये लिंक सिर्फ उनके लिए आए जिनके लाखों फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, 5 लाख कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे रेलवे के सिर्फ फ़ोटो की कमी की वजह से। तो ऐसा
रहा है जब 15 तारीख होगी, 15 तारीख से 26 तारीख तक ये लिंक खुल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फोटो एडिट कर सकते हो और तभी पता चल जाएगा कि जिनके फॉर्म सही है, मान के चलो मेरा फॉर्म सही है और मैं फिर भी लॉगिन करके देख रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद लिखा जाएगा कि आपके फॉर्म अपडेटेड है सक्सेसफुली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो भी अपडेट होगी ना, जो यहाँ पे नोट करके, और नोट करके हिंदी में जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से नीचे लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में बंद करके, जैसे हम लिख देते हैं। तो वेबसाइट चेक करते रहना, 15 तारीख को वेबसाइट चेक करोगे तो हम जरूर से वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, और इसे 15 तारीख से 26 तारीख तक का टाइम है आपको, जो अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई उसे सही करने का, एडिट करने का, ठीक है। CCS यूनिवर्सिटी एडमिशन, इसके लिए भाई बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपको फिर से हम एक बार क्लियर कर दें कि रेगुलर वालों को एक अंतिम मौका मिल सकता है एडमिशन लेने का। प्राइवेट कॉलेज ने भाई बोल रखा है, मतलब प्राइवेट कॉलेज ने UGC को बोल रखा है, कुलपति जी को बोल रखा है, राज्यपाल को बोल रखा है, लेटर लिख के बोल रखा है कि भाई हमारे यहाँ पे 50% सीट भी अभी तक नहीं भरी है, एक मौका और दे दो, जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे ले लेंगे प्राइवेट में, और अगर मान लो हमें एक भी ना मिला तो हम दोबारा नहीं बोलेंगे। इस बारे में विचार किया जा रहा है, तो रेगुलर अपडेट देखते रहना, हमारी वेबसाइट चेक करते रहना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जरूर से आपको अपडेट मिल जाएगी अगर फॉर्म खुले तो। रही बात प्राइवेट की, प्राइवेट का भाई ऐसा है जनवरी और फरवरी इनमें नोटिस आ जाएगा कि भाई कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपके प्राइवेट के फॉर्म भरे जाएंगे और कब रेगुलर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। दोनों की जो डेट होती है एक ही होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है 5-10 दिन, लेकिन लगभग सेम से होते हैं ये। तो जैसे पता चलेगा आपको बताएंगे, और आप सवाल करने से पहले काम किया करो, ऑनलाइन forminfo.com सर्च कर लिया करो, उस पर हम डाल के रखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी रेगुलर हो या प्राइवेट तुरंत से आपको सूचित करेंगे, नई अपडेट होगी तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी वो। CCS यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में आज आर्टिकल दिया हुआ है अमर उजाला न्यूज़पेपर में, तो लिखा हुआ है कि कैंपस और कॉलेजों में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से सत्र पूरी तरह से बेपटरी है। दिसंबर में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी इसकी तिथि नहीं आई है। ऑफलाइन तो पढ़ाई कॉलेजों में नवंबर से ही शुरू हो पाई, इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाई 6 महीने से बंद थी, ऐसे में छात्र छात्राओं का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। विश्वविद्यालय कैंपस में तो ऑनलाइन पढ़ाई फिर भी चलती रही, लेकिन कॉलेजों के छात्रों की कक्षाएं नहीं चली। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर कोर्स पूरा कराए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर ऐसा ही चला, मतलब नहीं ये सही तरीके से चलाएंगे, तो जनवरी में पॉसिबल ही नहीं है पेपर होने, फिर फरवरी मार्च, और जितना लेट होगा फिर उतना लेट होता रहेगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे इसके बारे में भी। टैबलेट और स्मार्टफोन की भाई जो अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में अमर उजाला में दी हुई है, मेरिट संस्करण में, मेरिट एडिशन में, तो थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दें। CCS यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में UG और PG कोर्सों के छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट वितरित किए जाने हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने टैबलेट वितरित किए करने के लिए सभी प्राचार्यों से नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनको नाम देने को कहा है, ताकि पोर्टल पर सूची अपलोड की जा सके। बता दें कि अभी इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया जा गया है कि सभी वर्षों के छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे या फिर फाइनल ईयर के छात्रों को, ठीक है। कुल मिला के हम आपको बताएं, देखो इसके लिए आपको तो कुछ नहीं करना, अभी भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हैं, फॉर्म भरना था हमने नहीं भरा, क्या करना है भाई, किसी को कोई फॉर्म नहीं भरना था। जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है, सॉरी जो यूनिवर्सिटी में नोडल अधिकारी है, उन्होंने जो हमारे विश्वविद्यालय यहाँ पे आपके कॉलेज वगैरह हैं उनके जो टीचर हैं ना, उनसे डिटेल मांगी है बच्चों की, उन बच्चों की जिनके एडमिशन ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी फॉर्म वगैरह नहीं भरना था, ऐसा नहीं कि 10 बच्चे गए और फॉर्म उन्होंने जमा करा और उन्होंने फॉर्म को आगे भेज दिया, बस उन्हीं के लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन जो भी मिलेंगे उन्हें मिलेंगे। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने एक फॉर्म भी जमा नहीं करा था, उन्होंने देखा कि भाई न्यूज़पेपर में आ रखा है या फिर ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि भाई किसी को कोई फॉर्म नहीं जमा करना, तो नहीं जमा करा उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस कॉलेज में किसी को मिलेंगे ही नहीं लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन, जो भी चीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये अपडेट हमने इसलिए बताई है क्योंकि ये 13 दिसंबर के मेरिट एडिशन के अमर उजाला में है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बता रखा है कि भाई इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी वर्षों के छात्रों को टैबलेट दे जाएंगे या फिर फाइनल ईयर के छात्रों को, हम आपको बताएं। तो भाई ऐसा है, देखो इलेक्शन का तो हो सकता है इसमें कुछ, आपको पहले भी बता दें हम, तो ऐसा नहीं है कि भाई फाइनल ईयर वालों से ही वोट चाहिए, उन्हें फर्स्ट ईयर वाले भी देंगे, सेकंड वाले भी देंगे, और जो कोरोना
से जूझ के निकले हैं फैमिलीज, वो जरूरी नहीं है फाइनल ईयर के ही हैं, सेकंड के भी हो सकते हैं, फर्स्ट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण हैं कि सबको मिलना चाहिए, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो ये है अपडेट इसकी, गिव अवे की थोड़ी सी हम अपडेट बताएं तो भाई ऐसा है, तीन जो स्टूडेंट हैं वो विनर हुए थे, लवनीश सिंह, अमित पांडे, अबुजर चौधरी। तो इनके लिए भाई हम आपको बता दें कि हमें कैसे भी करके आप कांटेक्ट करें, कैसे भी करके क्या, आप एक काम करना, हमने आपके जो YouTube जिससे आपने कमेंट करा है ना उसकी हमने URL हम अपने iPad में ले लिए हैं। आप एक काम करना, बस अपने चैनल को खोल के उस पर अबाउट सेक्शन में अपनी ईमेल ID, अपना कोई भी सोशल एक अकाउंट का user ID डाल देना, हम उसी के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि जो फर्जी हो वो कम हो, ठीक है ना। क्योंकि फर्जी ईमेल ID 1 सेकंड में बनाई जा सकती है, ठीक है, कुछ भी करके। अगर आपके में मान लो अबुजर चौधरी 123 है, तो किसी ने 124 बना ली और फोटो आप ही का लगा दी और हमें बोल दिया भाई हाँ बताओ आप, ठीक है ना। तो ये बात है, बाकी कुछ नहीं, हमने इसलिए user ID से चाहिए बस आपकी, जिससे हम आपको जो है फेयर कर सकें, फेयर आपका जो जो है आप तक जो भी रेम्यूनरेशन पहुँचाना वो फेयरली पहुँचा सके, ठीक है। हमने आपको बताया था गिव अवे के लिए, अभी भी सवाल वो हमने वैसे बता दिया, लेकिन फिर से हम एक बार बता दें, गिव अवे के लिए हमने बोला था, देखो CCS यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे, और अभी एडमिशन होके निपटे हैं, एडमिशन वगैरह हुए हैं, तो जो रिफ्रेशर्स हैं वो हम खुद से देने के लिए जाएंगे इन बच्चों को। मान के चलो कोई BA फर्स्ट ईयर में है, तो BA फर्स्ट ईयर में जो रिफ्रेशर होते हैं ना, रिफ्रेशर का मतलब है मॉडल पेपर जो होते हैं, मान लो 4 हैं 5 हैं 6 हैं जितने भी होते हैं, वो हम खुद से इन्हें देने जाएंगे, और इनका जो फोटो होगा वो यहाँ पर लगाएंगे, और अपने इंस्टाग्राम पे तीन तीन टाइल्स होती हैं इंस्टाग्राम पे, पहली टाइल, सेकंड टाइल्स और थर्ड टाइल, तो तीन भाइयों का इनका फोटो हम लगा देंगे वहां पे, ठीक है, जो हमारे वहां पे इम लाइफ टाइम रहने वाले हैं। बाकी गिव अवे जल्दी भी करेंगे, अब फिर से गिव अवे कोई होगा तो आपको बता देंगे, सूचित कर देंगे, और जैसे जो अपडेट होगी वो आपको टाइम से बताते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही भाई, कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, और वेबसाइट की भी लिंक है भाई, वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना, क्योंकि सारी अपडेट ज़्यादातर उस पर हम डालते रहते हैं।